तेरे को अरे मुझे डराओ मत, मैं नहीं डरती तुमसे। अरे तेरे को बोलो छोटा किधर आ रहा भाई, देखो मार दी तेरे को। अरे मैं तो रिपोर्ट लेके जाऊंगी तुम्हारे पीछे। मैं क्या कुछ हूँ, मेरा घर के लोगों 100 रुपया दे देना, सारा लोगों को 200 दे देना लोग। हवलदार देखो ये मेले का सीजन चल रहा है, लोग दारू पी तो बहुत धांधली कर रहे हैं। हमने मोना जी करवा दिया था गांव में, दारू पी के जो भी रोल करेगा उस पे 5000 रुपया दंड। एक काम करना, मैं पुरानी फाइल देख रहा हूँ, अगर कोई दारू पी को झगड़ा करे कोई केस आए तो मेरे को फटाक से बताना। बिल्कुल साहब, आपको बता देता। हाँ तेरे को मामला आपस में जीतता है तो बचा के काम कर लेंगे। हेलो हेलो, अरे साहब जी नमस्कार। अरे नमस्कार बेटा साहब, वो अंदर साहब बैठे हैं क्या? अरे मैडम वो साहब फूफड़ा में फूंक फूंक पा रहे हैं। अरे मैं बड़े साहब की बात कर रही हूँ। बड़े साहब? हाँ वो बड़ा साहब तो नदी का ना फूंक फूंक। कोई बात है क्या आपको? के लिए छोटा मोटा काम तो मैं निपटा देता हूँ। अरे वो सब कर लो, पहले बड़े साहब से कहना। हाँ। एक लेडीज आई है, लेडीज अरे साहब आपके बोलने के अनुसार एक लेडीज आया। क्या आया? लेडीज लेडीज। अरे अपना गरीब खाना है, बकरी ने लेडी टपका दिया, झाड़ू लगा दे। अरे साहब, अरे साहब बड़े साहब से कहना। हाँ। एक महिला आई है, महिला। अरे साहब, एक महिला आया है। तेरे को हर महीना तनख्वाह मिलता है? बिल्कुल बराबर मिलता है, बराबर मिलता है। तो तेरे को मई खाने का शौक है, साहब को बोल रहा महिला। अरे भाई ओ साहब, बड़े साहब से कहना, एक सच समझ के एक भाई आई है, जब वो समझ जाएंगे। अरे समझ क्या, आप तो उसका दिल पहुंचा दो। मैं भी बहुत दिन छुट्टी पे छुट्टी कर रहा है, वो छुट्टी मांग रहा है। साहब अब मैं छुट्टी नहीं लेगा, ये तेरे को देने वाला है। देखो साया, एक लेडीज आया, मुझे एक भाई भाई आया। हाँ। अरे उसको थाने में शिकार के आया। अच्छा तो साहब मैं वो काम मैं उधर सजा देता ना सर। उसके साथ तूने कोई गलत बात तो नहीं किया? अरे नहीं साहब। हाँ। लेकिन उनका मामला जो भी पूछे मैं निपटा देता हूँ। उसको इधर थाने में भेज। हाँ ये तो मैं सोचने ही वाला था, भेज उसको थाने में। नमस्कार साहब। नमस्कार जी मैडम। साहब मैंने बोली नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठो ना। नहीं साहब आप बैठो ना, मैं खड़ी अच्छी हूँ। अरे तुम इतनी अच्छी भाई खड़ी रहती मेरे सामने, मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं आप साहब हो, आप बैठो ना। अरे तो तुम साहब है, साहब से भी तुम ऐसी लगती हो कोई साहब की घरवाली। नहीं साहब ऐसे क्या बात करते हो, बहुत अच्छी भाई है। आप बैठो ना। वाह वाह वाह, ये बिल्डिंग सर तुम्हारी है? क्या बात है हवलदार, एक काम कर तू 4-8 रोज का छुट्टी ले ले, मैं ये केस को निपटाता हूँ। ओ साहब इधर आओ सामने। हाँ साहब। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसा घरवाली मेरे को मिल जाए ना। क्या क्या परेशानी है भाई? ओ साहब। हाँ।
वाले का? हाँ। क्यों? मेरे घर वाला है ना, हाँ? मुझे मारता है। तेरा घर वाला तेरे को मारता है? हाँ। तो भाई घर वाला नहीं मारेगा तो कोई बाहर वाला मारेगा क्या तेरे को? अरे सांप पर वो रोज मारता है। रोज मारता है? हाँ। अरे इतना अच्छा भाई, अगर मेरे को मिल जाए ना तो मैं जिंदगी भर नहीं मारू उसको। वो सांप वो है ना, दारू पी को मारता है। दासू दारू पी को मारता है? हाँ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, बड़ा अन्याय हो रहा भाई तेरे साथ। क्या नाम है भाई? मेरा नाम, हाँ? मेरा नाम रातरानी भाई। दिन में नहीं चलता वो नाम है? नाम है? हाँ। देखो भाई। हाँ साहब। ये खाने का मामला है। अच्छा। ये मियां बीबी का लड़ाई है। हाँ हाँ। इसका आपसी में फैसला कर लो, नहीं तो ये खाने में क्या है, एक बाल से नौ फांक होती है। अच्छा। तुम बयान दे नहीं पाओगी? नहीं नहीं साहब, मैं तो पूरी बयान दूंगी। मैं तो परेशान हो गई, मेरे नाक में दम कर दिया मेरे आदमी ने। भाई का फुल मर्जी है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, लिख देंगे तेरा नाम, हम तो क्या करना। अच्छा ये बताओ भाई। हाँ। क्या तेरा नाम रात रानी? हाँ। शादी हो गया तेरा? हाँ साहब हो गई ना। हाँ, कितने साल हो गए शादी को? मुझे तीन साल हो गए शादी के। तीन साल? हाँ। बच्चे कितने हैं? मुझे पांच बच्चे हैं। तीन साल में पांच बच्चे? हाँ। तू भाई है कि बकरी है? वो साहब मुझे जुड़वे बच्चे हुए हैं। एक साल में दो बच्चे? हाँ। दो साल के चार बच्चे? हाँ। तो छह बच्चा होना था, एक बच्चा कहाँ गया साहब? आखिर में एक ही बच्चा हुआ। आखिर में मामला सही हो गया? हाँ। ये बताओ भाई। हाँ साहब। भाई ये क्या कि तेरा पति ने तेरे को मारा? हाँ। तो बच्चे कहाँ गए थे? बच्चे स्कूल गए थे। साला मौका देखो चौका मारता है। ये बताओ भाई। हाँ। तुम्हारे बच्चे स्कूल गए थे? हाँ हाँ। ये किस समय की बात है? ये दोपहर के 12 बजे की बात है। पक्का मालूम है? हाँ। दिन के 12 बज रहे थे? हाँ। तेरा पति तेरे को मार रहा था? हाँ। और तेरी नजर घड़ी पे थी? हाँ। और तेरा पति तेरे को मार रहा? हाँ। पक्का मालूम? हाँ। मतलब वो मार रहा और तू घड़ी देख रही? हाँ। घड़ी का वो पतला कांटा कहाँ था? वो 12 में था। उससे छोटा वाला? वो भी 12 में ही होगा। उससे छोटा वाला? वो भी लगभग 12 में ही होगा। इन्हीं कांटा एक ही जगह कर दिया, पूरा घड़ी का सत्यानाश कर दिया? नहीं साहब, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का हेर फेर होगा। ऐसा बोलो ना, मैं डर गई थी ना साहब। क्या डरने की क्या बात है, इतना बड़ा सांप तेरे सामने हेर फेर कर रही है? क्यों भाई? हाँ साहब। देखो तुम्हारा कोई दवा है? वो है ना, बोले मेरा गवाह। हाँ। है ना वो हमारे गांव का है ना वो नंदू भैया? नंदू भैया? हाँ। जाओ नंदू को उसको पकड़ को लाओ। नंदू को लाओ। हेलो साहब जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलो डड़ियल क्या बात है? बोलो ना साहब, आपने बुलाया हम हाजिर है। इधर आओ सामने। हाँ साहब बोलो। क्यों? क्या नाम है? नंदू भाई। नंदू भाई? हाँ। वो तो मर गया माया है ना? अरे नंदू भैया सापरो वाला सांसद मर गया ना? ओ भाई गया होंगे, नंदू भाई तो यहाँ है ना? अगर तुम वही हो। हाँ। ये बताओ ये भाई का झगड़ा देखा? हाँ साहब, इनके झगड़ा तो चालू ही था। मैं काय के लिए गया था? दूध पहुँचाने गया था। कितना दूध? पाव भर। साला इतना बड़ा जानवर पाव भर ही दूध देता है? नहीं तो भैंसी 5 लीटर देता है साहब। भैंसी 5 लीटर देता है? पाव भर कचंदा। पाव भर के बंदी लगी हुई है? हाँ। और कोई गवाह है भाई तेरा? हाँ हाँ साहब है ना। कौन है? वो है ना मेरे बाजू की मधु भाभी। जाओ लाल मधु भाभी बुलाओ। मधु भाभी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, क्या क्या काम है मेरा? हाँ। मेरे घर खाना बनाने वाला कोई नहीं है तो रोटी बना दे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। हाँ नहीं। क्यों?
नहीं, हमारे घर पे खाना बनाना पड़ता है। अरे तो हम भी तो खाना ही बनवाएंगे। तो तुम दूसरे रख लो ना। तू ये बता, हाँ क्या नाम है तेरा? मधु भाई। मधु भाई है कि मधुमक्खी है? नहीं साहब, नाम है मेरा मधु भाई। हाँ ये बताओ भाई। हाँ सर। ये किरण भाई का झगड़ा तुमने देखा क्या? हाँ सर। काई के लिए गई थी? साहब आटा मंगने देखी। आटा मंगने? हाँ। तो इनका झगड़ा कैसा देखा तूने? साहब इनका पट्टी पट्टी चालू था। कितना तुमसे देखा इनका झगड़ा? साहब तीन चार घर के आड़ में से। कितने घर के आड़ में से? तीन चार घर के आड़ में से। वो तीन चार घर क्या पोकले थे वो? नहीं साहब। कहीं कैसी भाई है? अभी साहब का छोटा साहब को बोल दूंगा तो रिमोट पे ले लेगा। ये बताओ। हाँ सर। मधु भाई के गवाह के अंतर्गत किरण भाई के पति को 525 की दफा में फांसी। हाँ भाई। हेलो। हाँ साहब। साहब मैं तुम्हारे 525 की दफा के अंतर्गत केस ऑनलाइन किया जाता है तो आपके आदमी को फांसी। मेरे पति को? हाँ। नहीं, वो मेरे पति है, मेरे पति को मैं फांसी नहीं हो दूंगी। देखो भाई, मैंने पहले समझाया था, खाने का मामला है, पहले मान ले लेता अब ये केस। अरे साहब मुझे क्या पता कि मेरे पति को फांसी हो जाएगी, मैं वकील करूंगी। जल्दी वकील लाओ, समय थोड़ा सा है। वकील को जितना भी समय, 10 मिनट का समय है। 10 मिनट अभी जाती हूँ मैं, अभी जाती हूँ मैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या भाई वकील साहब? ये वकील कब बन गया? अरे कब से हासिल किया मैं भोपाल में। अरे एक रोज नहीं कह रहे वकील कब बन गया तू? अरे मैं इंदौर में हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते भोपाल चले गया, उधर डिग्री हासिल किया। वकील साहब, ये किरण भाई के पति को दारू के केस के बावजूद 525 की धारा के अंतर्गत इसके पति को फांसी का आर्डर आ गया है। आपको समय में कुछ बोलना है तो फटाक से बोलो। इंडी गड़ी मंड परिवर्तन रंग बिचुर तो नगड़ तो डाबा 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 थोड़ा सा छाया दो मणि मगर क्या वर वर यू विल टू वोट एंड फोर्टी यू विल टू वॉइस टू डू दैट किरण भाई के फांसी के फांसी नो इट बी टू बोल मत किम बात करो नहीं सब यू टेल अस टू पुट ऑन एट लीस्ट टू गो एंड एट यू व्हाट यू डिस्ट्रक्ट है ना मेरी बात है दिया साहब चपड़ डोटे झगड़ा मंच को दादा सी डाटा समा भी पूरा सच्चा ना टाइम लिया नहीं बा ये मान लो हम ने कट हम यू ने यूनिवर्सिटी वाची साहब के पैसे से बात होना क्यों कम से कम 50,000 का दूध पर होना टीचर ने ने लो वापसी मत मत लिखे के मान डाटा नियम रंग भी मान का तो करूं फिर फिर पांच पांच मैं क्या ठीक 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 फायदा भरी 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 भरी